Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you, Nazreen. Kaise hain aap sab? Ek nayi subah aap sabko bahut bahut mubarak ho. Allah kare aaj ka din aap sab ke liye bahut behtar sabit ho. Khairiyat se jaiye, apne kamon par jaiye aur khairiyat se apne pyaron ke paas jo aapke muntazir hote hain, aapki raah tak rahe hote hain. Khairiyat se hifazat ke saath un tak aap wapas pahunchiye aur isi dua ke saath karte hain apne aaj ke program ka. Agar aisa lag raha aaj main koi radio show kar rahi hu, awaaz kabhi yahan jati kabhi wahan jati, abhi meri क्लास हो जाएगी दो मिनट में. एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जब आते हैं ना तो वैसे ही जो है एनर्जी बहुत हाई हो जाती है. माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दिल से, बल्कि मेरी पूरी टीम के दिल से जो है वो इनके लिए बेशुमार दुआएं निकलती हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बस हमेशा ऐसे ही लोगों को जो है वो हंसाते रहें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहें. हमारे लिए बड़ी ऑनरेबल शख्सियत हैं और उससे बढ़कर ये कि हमारे ये वो बड़े हैं कि जब भी हम इनको कहते हैं कि आपने आना है तो ये थोड़ा सा डांटते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा. सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे से अयाज खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? जी तरी ये खुश रहिए और सबसे पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनका दिन आज का अच्छा गुजरे, बल्कि हर दिन उनका अच्छा गुजरे. तो और इंशाल्लाह आज जो हमारी बातें होंगी और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को भी और लोग आज का वक्त जो है वो नहीं भूलेंगे. बहुत अच्छी बात आपने की. वक्त वक्त की बात होती है, कहते हैं वक्त की डोर को थामे रखना चाहिए और जिस वक्त जो कुछ अच्छा मिले उसे अपने अंदर समेट लेना चाहिए. तो आज बड़ी अच्छी बातें जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप डिस्कस कर सकेंगे. नॉर्मली बीमारी जो है वो हर शख्स कभी ना कभी ज़रूर देख रहा होता है और हर घर में जो है, वैसे तो अल्लाह महफूज रखे तमाम घरों को, हर शख्स को महफूज रखे बीमारी से, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे इनकार नहीं किया जाता. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बड़ी जर्नल होती हैं कि जिसमें में बहुत दर्द रहता है, कमज़ोरी बहुत रहती है, सुबह उठता हूँ तो उठा नहीं जाता और सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है, या कुछ लोग जो हैं वो बहुत मोटे हो रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर जान नहीं होती, थोड़ा सा चलने के बाद थक जाते हैं. ये जब तमाम प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि आप कहते हैं ये मैं किसके पास जाऊँ, इसका एक्सपर्ट कौन होगा जिसको जाकर मैं दिखाऊँ, तो एक अदद शख्सियत होती है जिसे जीपी कहा जाता है, जर्नल फिजिशियन, जो आपके तमाम जर्नल जितने भी मामलात होते हैं, भूख का ज़्यादा लगना, भूख का कम लगना, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब वो डॉक्टर्स डील कर रहे होते हैं. तो हमने आज ऐसे जीपी को बुलाया, ऐसे जर्नल फिजिशियन को बुलाया जो डेफिनेटली अपनी फील्ड में बहुत वेल नोन है और जो उनके पेशेंट्स होंगे जिस वक्त देख रहे होंगे वो बड़े खुश भी होंगे कि आज उनके डॉक्टर जो हैं वो वक्त में उस पर मौजूद हैं. तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और यकीनन आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद फारूक. आप अगर कभी होता है नज़ला बुखार, इंसान है बशर है तो बीमारी भी आ जाती है कभी कभी, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप भी सेल्फ मेडिकेशन कर? डॉक्टर्स को उमूमन नज़ला बुखार नहीं होता. क्यों नहीं होता? ये देखे मेरी बात समझ लें, सुबह सुबह कोई नई बात आई है, क्योंकि वो शुरू अपने बचपने से मरीजों के साथ और जर्म्स के साथ, उनका इम्यून सिस्टम पर नहीं जा पा रहा, नहीं जाना चाहता, ये दफ्तर जाता हूँ मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो भी डिप्रेशन की एक किस्म है. तो ये इसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं ना आपके, है सब आपको वैसे ये हमारे नॉर्मली ये जो जहनी अमराज होते हैं ना इनको पता नहीं क्यों पागलों से ही जो है ना वो मुंसलिक कर दिया जाता है कि शायद ब्रैकेट कर दिया है कि आप पागल ही हो गए अगर आपको कोई जहनी प्रॉब्लम होगी. ऐसा नहीं है, जिस माशरे में अब हम जी रहे हैं मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आप जहनी अमराज में मुबतला होते हैं, जैसे जिस्मानी बीमारी होती है, डॉक्टर साहब इतफ़ाक़ करेंगे मेरी बात से, इस तरह जहनी बीमारियाँ भी होती हैं. वैसे ही मैं पूछ रही हूँ आपसे, अक्सर लाइफ का स्ट्रेस इतना है, होता है डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, क्या करते हैं फिर? अच्छा, कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ साइलेंट होती हैं, आप उसको उनके लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें, मुझे ऐसा महसूस होता है. तो आदमी ओवरऑल ये कहता है कि मैं जी बस छोटी सी बात होती है या छोटी सी मतलब छोटी सी बात होती है मैं उस पर गुस्से हो जाता हूँ या मुझसे बर्दाश्त नहीं होता. अच्छा, बर्दाश्त की जहाँ तक बात है और डॉक्टर साहब ने भी उसको जिस तरह ब्रीफ किया है उसमें मैं कहूँगा ये है, हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि घर पे पहुँचे तो कोई ना कोई टेंशन है, ऑफिस पहुँचे तो टेंशन है, टीवी देख रहे हैं तो मुसलसल टेंशन है, और बाकी चीज़ों के बारे में हम जो ओवरऑल जिस इन्वायरमेंट से हम गुजर रहे हैं, वरना पहले अगर आप पहले किसी से पूछते थे कि टाइम क्या हुआ तो वो कहता था जी 6 बजे, आज आप उससे पूछते टाइम क्या हुआ, 6 बजे भाई जी यार क्या समझ में नहीं आई क्या, आवाज़ सुन नहीं रहे हो क्या यार, आप कान चेक करवाओ अपने. तो
आदमी का मिजाज में भी कुछ चीज़ें ऐसी आके बिल्कुल समझ लें बिल्टन, जो पहले एक नॉर्मल सॉफ्ट एक बोलना चलना फिरना जो होता था उसमें एक ऐसी इस माहौल के हिसाब से आ गई है। वो सही एक जो जुमला कहते थे ना कि अगर किसी कौम का मिजाज देखना है तो वहाँ का ट्रैफिक देख लें, तो आप ट्रैफिक को ही देख लेना कि ज़रा सा एक मिनट अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए फौरन फुटपाथ पे सारी मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। हाँ, तो लोगों में बर्दाश्त नहीं है, तो अब उस बर्दाश्त का देखें, बर्दाश्त का तो कोई इलाज नहीं है। डिप्रेशन या जो ब्लड प्रेशर वगैरह के डॉक्टर साहब का पेशेंट आते हैं, कुछ तो मेरे हिसाब से ऑर्गन्स की वजह ज़रूर है, शुगर और ये सारी वजह होती होंगी, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि खुद साख्ता भी होती है अपने ऊपर तारी करके। जब हम बहुत सी चीज़ों को जहनी तौर पर हम झटकते नहीं हैं, देखे ना लाइट मोड में हम ज़ाहिर आज बैठे हैं, अगर हम टोटल सिर्फ बीमारी में बात करते तो लोग देखते और चैनल चेंज कर देते, लेकिन हम एक लाइट मोड के साथ इस तरह से बात क्यों करें ताकि लोगों को थोड़ा सा ही पता चले, एक हम एक अवेयरनेस है, एक हम काउंसलिंग कर रहे हैं इस बार कि जी इससे इतना घबराएं नहीं, और अगर कोई चीज होती है तो जरूर कंसल्ट जरूर करें। एग्जैक्टली, उसको अपने रूटीन में रखें, किसी भी चीज को अपने ऊपर आपको हावी नहीं कर लेना, उसको अपने फॉलो करना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आपको वीकनेस फील होती है, इट्स नॉट अबाउट वुमेन, अभी मैं डॉक्टर साहब से भी बात कही थी, कुछ बच्चे भी ऐसे हैं ख्याल से मर्द भी ऐसे होंगे जो थकान महसूस करते हैं अपने जिस्म में, तो डॉक्टर साहब आपने कहा हीमोग्लोबिन चेक करवाइए अपना और विटामिन D3, ये दोनों टेस्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन वैसे नॉर्मली खवातीन में क्या कहेंगे कितना नॉर्मल होना चाहिए? वैसे रिपोर्ट्स में सारी चीजें पाकिस्तान में 10 प्लस, ये एशियन आप बता रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छा एशियन तो में बहुत अच्छे लोग भी हैं। अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं एवरेज 10, हम लोग अंडर नरिश नहीं, हम लोग मेल नरिश्ड हैं, हम लोग गलत खाना खाते हैं। जी बिल्कुल खाते हैं। और अभी मिजाज पे बात हो रही थी कि लोगों का टेम्परामेंट जरा सा खराब हो गया, उसकी बेसिक वजह जो मैं समझता हूँ हम लोगों ने बुजुर्गों के साथ बैठना खत्म कर दिया है। वो आपको कूल डाउन करते थे, गुस्सा भी आता छोड़ दे बेटा छोड़ दे, मैं कर दूंगा ये काम, मतलब अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब बच्चे खुद फैसले करते हैं, सारे बच्चों के फैसले जज्बाती होंगे, तो लिहाजा जब तक आप बुजुर्गों के साथ खाओ, वो मोहल्ले के हों घर के हों ख़ानदान के हों, उनके साथ बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में जैसे कहते हैं ठंड पड़ेगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग सब अंदर से टेंशन में इसलिए रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं जी। और बूस्ट करते हैं, मतलब जैसे ढोंग करना या ओवर रिएक्ट करना। तो मैंने जो अब तक समझा है वो ये कि लोग जो बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं वो ज़रा सा कूल होते हैं, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं वो बच्चे ज़रा मुख्तलिफ होते हैं उनसे के जो कि बगैर बुजुर्गों के पल रहे होते हैं। राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात की इवन के एक वक्त ये भी था कि जब मोहल्ले में भी मोहल्लेदार भी जो हैं वो भी आपके बच्चों को अगर डांट लिया करते थे या कहते थे चलो हमारे साथ नमाज पढ़ने, तो वो उस चीज़ को अच्छा बेहतर समझा जाता था। आज आपके बच्चे को कोई देख ले, मोहल्लेदारों की तो छोड़ें, आपके अपने रिश्तेदारों में से आपके बच्चे को कोई डांट दे तो आप उससे ला ताल्लुक ही कर लेते हैं, आप कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चाहे मेरा बच्चा गलत था तुमने कहा क्यों। तो यहाँ पर जहाँ पर आप ब्रिंगिंग में तब्दीली आई है वहाँ पर फिर डेफिनेटली माइंड सेट्स भी चेंज हुए। अच्छा सब ये बताएंगे जो अभी हम दो माशरे के फ़र्क का बात करें, आप बहुत पुराने तो नहीं माशाल्लाह से, आप वेरी यंग पर्सनैलिटी, तो फिर जो कपड़ों वाली बात की वही वाली बात है वो क्या है, अच्छे कपड़े पहनने से जरूरी नहीं है कि बंदा अंदर से टेंशन में ना। हाँ अच्छा ये बताएं आपके जो आप कहते हैं ना आप बेड का जो साइड का ड्रॉर होता है उसके अंदर बड़ी इंसान की खास चीजें रखी होती हैं, मतलब मेडिसिन हो गई या आप अगर कोई आपको कोई सौंफ लेने की आदत है या कुछ लोग नट्स रखते हैं चॉकलेट्स रखते हैं, ये बड़ी आपकी खास पर्सनल ड्रॉर होती है, उसके अंदर कुछ लोगों के पास एक बड़ा स्टॉक होता है पेन किलर्स का या नींद की मेडिसिन का, आपके पास इस तरह की कोई मेडिसिन है जो आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं? देखिए आपके राइट हैंड साइड पे तो रीजन होता है पेन मतलब पेन किलर क्यों होता है ठीक है, और उल्टे हाथ पे आपके पास वो दवाएं होती हैं जो उसके इलाज होती हैं ठीक है। लेकिन ये अब ये हो गया है कि जो लोग भी 40 या 50 की एज में होते हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड पे दराज में वो दवाएं होती हैं जो उन्हें रोज खानी होती हैं, यानी कि आप समझ लें ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई या और कोई कंसर्न कोई बीमारी ऐसी है जिसके लिए रेगुलर मेडिसिन खाना जरूरी है। तो ये तो मेरा ख्याल है एक लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह ही बहुत से काहिल होते हैं जो आज की एक वक्त की दवा छोड़ देते हैं फिर दूसरी वक्त की याद रहती है अरे यार कल से खा लेंगे,
तो कुछ लापरवाही भी होती है। और ये तो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया, ये तो 100% आप खाना खाएं ना खाएं आपने दवाइयां खानी है, जरूरी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कुछ हम चीज़ों के अपने आप को खुद भी डॉक्टर साहब आदि बना लेते हैं कि जिस तरह मैं अगर ये नींद की दवा नहीं खाऊंगा या ये पेन किलर्स नहीं लूंगा, इवन कि कुछ लोग तो अब खुद सोचते हैं कि मुझे वाइटामिन के लेना है, कुछ लोग सोच रहे होते हैं मुझे खून पतला करने की दवाइयां लेनी है। मैं ये बात कर रही हूँ, ये जो आप कह रही हैं देखें ये है, कुछ लोगों का तो वाकई ये फैक्ट है कि वो नफ्सियाती तौर पे इसका शिकार हो जाते हैं। हाँ। कि वो दवा पता चला वो इतना असर नहीं करी है जितना उन्होंने ज़हनी तौर पे ले लिया, उनको कोई एक बगैर किसी मेडिसिन पड़े हुए भी कोई टैबलेट दे देंगे, ये लीजिए आपकी अभी की खुराक है, वो करके हाँ भाई अब मैं रिलैक्स होगी। ये थोड़ा सा नफ्सियाती पहलू भी होता है। मैं इसमें यूँ ऐड करूँगा कि हमारी जो आवाम है या हम लोग हैं, हम दो चीज़ें करना चाहते हैं, अच्छा वो हम सब्ज़ी बेच रहे हों या हम डिफेंस में रह रहे हों या हम कहीं किसी और प्रोफेशन के अंदर डायरेक्टर हूँ, एक मेडिसिन उस पर अपनी राय जरूर देंगे और एक सियासत फ्री में बिल्कुल बिल्कुल और ऐसे देंगे जैसे कि उनसे बड़े ऑथेंटिक कोई सोर्स है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, और आजकल नेट के ऊपर जाके वो दो चार दवाइयाँ दो चार बीमारियाँ दो चार साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ के समझते हैं उनको डॉक्टरी आ गई, जबकि डॉक्टर जो है मेरे ख्याल से आप भी ये मानेंगे कि क्रीम ऑफ द सिटी जाती हैं और सबसे मुश्किल और सबसे लंबी पढ़ाई है, बिल्कुल वो सब पढ़ने के बाद भी कोई भी डॉक्टर कंप्लीट नहीं है। स्पेशलिटी वाला अगर हड्डी का डॉक्टर है तो वो दिल के बारे में इतना नहीं जानता, इतना पढ़ने के बाद भी, और लोग मैट्रिक करके इंटर करके बीए करके नेट पे जाके समझते हैं उनको बीमारी पता चल गई, तो ये चीज़ गलत है। इसका काम है उसे करने दें तो आपको सेहत भी मिलेगी और कॉस्ट भी कम होगी। राइट, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं ये जो दर्द के या पेन किलर्स का इस्तेमाल जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ग्रॉसरी में भी आ रही होती हैं, ख़ानदानी दवाइयाँ होती हैं हमारी, तो ये भी क्या इंसान की बॉडी पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं जो लोग यूज टू हो जाते हैं? केमिकल्स हैं, सीधी बात है, केमिकल है, जिस्म का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, और जब जिस्म में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट जमा कर रहे हैं। सही है, और मज़े की बात यह है कि जो लोग खुद अपनी मेडिसिन खा रहे होते हैं सेल्फ मेडिकेशन पे, वो उसको दवा नहीं समझते, गिज़ा समझते हैं। जैसे आपने कहा ना ग्रोसरी में आता है उसको गिज़ा समझते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। तो लिहाजा बस एक अंधेरे में हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहीं पर अगर मैं इस चीज़ को इस तरह रिलेट करूं कि वो लोग जिनको फॉर सर्टेन टाइम में फॉर टाइम बीइंग जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप किसी डिप्रेशन में या एनजाइटी में, तो आप जो है ये एंटी डिप्रेसेंट ले लें या आप नींद आवर दवा ले लें ताकि आप थोड़े देर अरसे रिलैक्स हो जाएँ, लेकिन इंसान यूज टू हो जाता है उनका, फिर उन दवाओं के बगैर आपको नींद नहीं आती। पहले तो आप कोई मशवरा दें कि नींद आने की कोई मशवरा है आपके पास ऐसा कोई खास आजमूदा, फिर हम मेडिसिन की तरफ। मेरा ख्याल है कि अगर आप थक जाते हैं, चले मैं इसी का जवाब देता हूँ, बहुत हाँ हाँ बिल्कुल, बात एक सादी सी, जो दवाएं नींद के लिए लोग खाते हैं वो नींद की दवा नहीं है, वो सुकून की दवा होती है। ठीक है, ठीक है जी, दो चार कॉमन नाम है आपको भी पता होंगे, बड़े खतरनाक। तो शुरू में उनका इफेक्ट सेडेशन होती है, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, उनको नींद आ जाती है, वो हैबिट फॉर्मिंग होती है, उनकी हाफ लाइफ लंबी होती है। सही है, जो नींद की अपनी दवा होती है वो होती है शॉर्ट लाइफ वाली, अल्ट्रा शॉर्ट लाइफ वाली, उसमें हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती। इन दोनों में फर्क होता है, बहुत फर्क है। अच्छा ओके, एक है सुकून आवर दवा और एक है नींद के। सुकून आवर दवा का नाम याद रखते हैं जो मोस्ट कॉमन चल रहे हैं, आपको ही पता होंगे। ठीक है, और उससे क्योंकि शुरू में नींद आती है वो खाते रहे उसमें हैबिट फॉर्मिंग है। ओके, लेकिन जो वाकई नींद की दवाइयां हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स कहलाते हैं, तो वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। खांसी का शरबत भी पी लो तो नींद आ जाए, हां हां वो सब में पड़ी होती है कुछ सब ने उसमें। और नींद के लिए एक और बात है, नींद आने का एक स्लॉट होता है, एक विंडो होती है। अच्छा, हर इंसान की। ठीक है, अगर उसमें आपको नींद नहीं आई फिर आपको नींद लानी पड़ती है, उसमें एफर्ट होती है। ओके, ठीक है, तो हर शख्स को पता होना चाहिए मेरा नींद का टाइम क्या है। हाँ। उस टाइम पे जाएगा वो सो जाएगा। हाँ, ये आपने अच्छी बात की, ऐसा आप इस पे अपना क्या तबसरा करना? मैं बिल्कुल, ये जैसे मैं 11:30 बजे मुझे नींद आती है और
11:30 से लेकर अगर मैं आधा घंटे भी टीवी देख रहा होता हूँ तो मुझे आधा घंटे में नींद आ जाती है। लेकिन अगर मैं किसी फिल्म के लिए 1.5 घंटा लगा दूँ और मुझे 12:30-1 बज जाए उसके बाद मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है। वो स्लॉट वाली जो विंडो वाली बात की वो बिल्कुल सही, उस जगह एक झोंका आता है, उस झोंके में आप सिर्फ करवट लें तो आप सो जाते हैं आराम। वो आपकी एक रूटीन ऑफ लाइफ स्केड्यूल बन चुका होता है और वो फिर उसके बाद अगर आप नहीं सोए फिर आप सारी रात आप लड़ते रहे, फिर नींद आपसे रूठ जाती है, फिर नहीं आती। डॉक्टर साहब वो एक दो आप ये बताएं, एक मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब बताएं आपके पास मुश्किल पेशेंट कौन होती है, खवातीन या मर्द होते हैं? इसका जवाब तो मेरे पास भी, मेरे ख्याल से मैंने अपने मरीजों को ऐसा ट्यून कर लिया है कि मेरी डांट के खातिर सब सही है, अब मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही कोई तो तरफ वो जाना पड़े। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो मजेदार सा, कुछ जैसे आपसे कोई दवा लेकर गया और उसके बाद आपको फोन किया उन्होंने इस तरह के, कुछ कह रहे होते ना फौरन ठीक हो जाए खाते या खाने से पहले ठीक हो जाए नुस्खा लिखते। बात ये है ना कि हर बीमारी नज़ला खांसी बुखार नहीं होती कि दो खुराकों में ठीक हो जाए, और हर बीमारी को टाइम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप शादी का जोड़ा बनवाने जाते हैं तो आपसे 1.5 महीना लेता है कि 1.5 महीने में आपका सूट तैयार होगा, वहाँ तो जल्दी नहीं करते कि 2 दिन में कर दो। डॉक्टर के पास आकर चाहते हैं कि बस सुबह निकलें तो ड्राई क्लीन होकर निकलें, ऐसा मुमकिन नहीं। डॉक्टर साहब मज़े की बात यह है जी, मैं खुद हैरान हूँ कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास ऐसी एग्जांपल और माशाल्लाह ऐसी होती है बात, आप दूसरे के समझ में आ जाए। आप ये मुझे बताइए, दुखे हुए हैं डॉक्टर साहब, खुद दुखे हुए हैं। आपने मुझे सताया है, बहुत सताया है डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं तो खैर इनका काम सताया हुआ। एक ब्रेक सर, ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। फिर से खुश आमदीद कहते हैं, डॉक्टर खालिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये जीपी हैं बट मुझे, मैं फिर से ये कहूँगी ही इज़ अ गुड काउंसलर। जो पेशेंट इनके पास जाते होंगे दवाओं से ज़्यादा आधी बीमारी तो उनकी इनकी बातें सुन के जो है वो दूर हो जाती होगी। और इसके साथ साथ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी हमारे, बड़े ही प्यारे से हमारे मोहतरम अयाज खान साहब भी मौजूद हैं। ऐसे भी ये बताएं कि आपको तो एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, ये तो एक लकी बात होती है आज के दौर में, अच्छा डॉक्टर नस्ल दर नस्ल जो है खानदानी जो है इंसान के पास डॉक्टर होता है। अच्छा ये जो हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बड़ी अच्छी लाइफ है, बड़ा सुकून है। लेकिन ये तो आपने एक बात की कि नींद की एक विंडो होती है, अगर आपने उस टाइम स्पेल पर अपने आप को नहीं, अपने जिस्म को आराम दिया तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनको आदत होती है, मैंने अपनी फील्ड के ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं जब तक सूरज नहीं निकलता मैं नींद नहीं आती, रोशनी ना देख लें मैं नींद नहीं आती। अल्लाह की तरफ से मेरी बातों कहती है, बदनसीबी है इन लोगों की कि ये पूरी पूरी रात जो सुबह ना देख सकें। नहीं हाँ जो सुबह सुबह होगी रोशनी आएगी तो फिर वो सोएंगे। ऐसा पेशेंट कभी आया है आपके पास? ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं। तुम क्या बात कर रही हो, आते ही ऐसे हैं, ऐसे ही आते हैं। फिर क्या कहते हैं आप उनको? उनको यही कहते हैं लाइफ में डिसिप्लिन पैदा कर रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, जब आपकी जिंदगी में मकसद है, आपको पता सुबह ड्यूटी पे जाना है तो आप क्यों नहीं सोएंगे? आपकी प्रायोरिटी अगर रात को टॉक शोज हैं और आप 3 बजे तक बैठ के ड्रामा सीरियल कंप्लीट कर रहे हैं अपनी, तो आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं। अब मुझे बताइए कोई अगर मर्द बैठ के रात को 3 बजे तक वो नेट के ऊपर बैठा है, दुनिया में सर्फिंग कर रहा है और सुबह ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहा, वहाँ तो गलत तो वो है। तो आपकी प्रायोरिटीज अब भी सही कर लीजिए, आप लाइफ में गोल पैदा कर लीजिए, दुनिया में आने का मकसद पैदा कर लीजिए तो आप पुरसकून हो जाएंगे। एडी साहब को देखिए, अदीब साहब को देखिए, माशाल्लाह 90 गेज पे काम कर रहे हैं, जॉगर्स पहनकर 90 गेज पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक मकसद है। मकसद है ठीक है, मकसद नहीं होगा आप थक जाएंगे, आप कभी इस गली में कभी उस गली में, और बस खा लिया पी लिया कपड़े अच्छे महंगा मोबाइल ये रख लिया और खुश हैं। ये लाइफ नहीं है। लाइफ में अपने एक ऑब्जेक्टिव पैदा कीजिए, एक गोल पैदा कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, एक अपने नाम का दरख्त लगा लीजिए ताकि दुनिया में आने का मकसद तो कुछ हल हो। अपने नाम का एक दरख्त लगा लीजिए, जब तक जिंदा है उस दरख्त को देखते रहिए, यकीन जानिए पुरसकून मौत मिलेगी। क्या बात, बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की है। और जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त हमें ज़रूरत भी है कि हर शख्स अगर एक पौधा भी लगाए ना डॉक्टर साहब, तो हम शायद बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली नस्लों को दे सकते हैं। आप ये देखिए ना, कराची पोर्ट सिटी है जी, और दुनिया का